and why? Who is your inner circle and why? What is the purpose of your life and why? उसने पूछा how is your health? मैंने जवाब दिया कि मैं आधे घंटे मेडिटेशन करता हूं, अपने कंपटीशन पे काम करता हूं, खाना कम खाता हूं, सही खाना खाने की कोशिश करता हूं, रात को जल्दी सोता हूं, सुबह जल्दी उठता हूं और 40 मिनट का वॉक करता हूं। क्यों? किसने पूछा? न्याय ने पूछा। क्यों ये सब क्यों करते हो? एंड द क्वेश्चन ऑफ हैप्पीनेस कम्स हियर। मैंने कहा आई वॉन्ट टू बी अलाइव फॉर माई चिल्ड्रेन मोर, फॉर माई वाइफ मोर, फॉर माई पेरेंट्स मोर, फॉर द सोसाइटी मोर। थोड़ा मैं ज्यादा जिंदा रहना चाहता हूं इन लोगों के लिए, इसलिए इतना सारा काम। तो ये खुशी होने का जवाब है कि नहीं? ये खुश होने का भाव है कि नहीं? अब जो सिगरेट पीता है वो सवाल अपने आप से करेगा हाउ इज योर हेल्थ, उसने कहा ओवरऑल इट इज फाइन। डू यू स्मोक, उसे कहेगा यस। व्हाई माय सन, व्हाई यू स्मोक? सॉरी सर, यू शुड नॉट। यू वांट टू बी अलाइव, यस। यू वो लव योर सन, यस। निर्दय सर आपको बताए, मेरे बेटा 11 साल का है सर, क्या चाहते हो? सर मैं चाहता हूं जब वो 51 का हो ना सर, तो भी मैं जिंदा रहूं। तुम क्या कर रहे हो सर? सिगरेट पीता हूं सर, पर आपको पता है ना सर मैं अच्छा आदमी हूं। मैंने कहा आप बहुत अच्छे आदमी हो, लेकिन सर सिगरेट आप ठीक ही बोल रहे हैं सर, सिगरेट से तो लग खराब हो जाएगा। बोले हाँ, फिर मैं मर जाऊंगा। हाँ, फिर मेरे बच्चे का क्या होगा? हाँ, तो फिर छोड़ देता हूं, छोड़ देता हूं। हाउ इज योर हेल्थ एंड सारी ये बात समझ में? तो जीवन में अगर खुश रहना है तो बहुत बढ़िया से समझ लीजिए, बहुत बढ़िया से, खूब अच्छे से समझ लीजिए। जस्ट यू हैव टू बी अंडरस्टूड वेरी वेल। ऑलवेज ट्राइंग टू डिफाइन योर एक्सेलेंस, अपने एक्सेलेंस को डिफाइन करना सीखिए। इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट विच विल डिफाइन हु आर यू। ये डिफाइन करेगा कि आप कौन है, अपने एक्सेलेंस को डिफाइन। आप ऑफिस रोज आइए, पर फाइल में आप सिर्फ नोटिंग्स के लिए नहीं है, इस टेबल से उस टेबल तक फाइल चली गई इसके लिए नहीं है, आप अपने अप्रेजल के लिए नहीं है। देयर इज ए लैटेंट क्वालिटेटिव एस्पेक्ट जिसके लिए आप 8 घंटे ऑफिस में रहते हैं। अपने एक्सेलेंस को दिखाइए, वो सबसे इंपॉर्टेंट है, और उस पर काम करो। दैट विल मेक यू। आप सभी को मैं ये लाइन कह रहा हूं, आप सबसे पूछता हूं, आप लोग रोज पढ़ते हैं? समझ गया, कुछ नहीं, ठीक है। इंस्टेंट क्वेश्चंस गिव यू राइट आंसर्स, डू यू नो दैट? तो मेरे साथ बोलिए, जो रोज पढ़ता है वो बढ़ता है, बोलिए। रोज पढ़ता है, जो रोज नहीं पढ़ता वो सड़ता है। हाँ, यस यस सर, यस। मैं रोज पढ़ूंगा, मैं रोज पढ़ूंगा, मैं नहीं सड़ूंगा, मैं नहीं सड़ूंगा। अरे साहब, जो पढ़ा नहीं वो उदास हो गया, क्या जिंदगी है साहब। सब ही सेड टू द पुअर चैप, हे चैप द पीजेंट एंड द लेबर, डू यू नो व्हाट्स द डिफरेंस इन द डेमोक्रेसी बिटवीन यू एंड मी? ही सेड, जानता हूं बाबू, जानता हूं। क्या बोलो? आप पढ़े लिखे हो बाबू। तो उसने कहा, अरे व्हाई आर यू फ्राइटेंड, डोंट फील फ्राइटेंड, हम दोनों एक हो गए इधर। बोला क्यों? बताऊं? बोला हाँ बताओ, इधर आओ। तो उसको बुलाया शिक्षित आदमी, बोला बताऊं हम दोनों एक है। बोला कैसे? बोला तुम पान मसाला खाते हो? तो उसने कहा हाँ खाता हूं। बोला मैं भी खाता हूं। तो उसने कहा अरे दूसरा, तुम जिन लोगों के बीच में रहते हो उनकी शिकायत करते हो? गांव का तो नहीं करता हूं, लेकिन इधर कुछ करने लगा हूं। मैं भी करता हूं, बहुत बढ़िया। तीसरा, तुम्हें गाली आती है? बोला अरे गाली अभी देना शुरू करूंगा तो एक टू जेड। बोला मिर्जापुर 3 में तो कविता भी गाली में आ गई। गाली इज द न्यू कल्चर, एंड यू कैन अंडरस्टैंड द ग्रेटेस्ट अचीवमेंट ऑफ दिस लिटरेट क्लास इन 21st सेंचुरी।
कि दे हैव बीन सक्सेसफुल क्लीनली सक्सेसफुल इन चेंजिंग द ग्रामर बाय पुटिंग द टैबूज एंड रिप्लेसिंग द वैल्यू लोडेड वर्ड्स एंड दे सेड हे निलय लाव इट्स न्यू नॉर्मल इट्स न्यू नॉर्मल निलय व्हाई यू आर बिहेविंग लाइक एन आउटकास्ट Don't sound heavy and utopian. It's a new normal. तब उसने कहा साहब एक बात बोलूं गरीब ने उसको बोलो साहब हम पढ़े लिखे नहीं इसका दुख है साहब तो उसने कहा यहां भी हम दोनों एक हैं बोला क्यों बोला मैं भी नहीं पढ़ता हूं कुछ भी नहीं पढ़ता उड़ता कैसे बोला जैसे फोन आया ना तो 5 मिनट से ज्यादा इस पर नहीं पढ़ पाऊंगा फिर अखबार आएगा ना तो ऐसे पढ़ लूंगा फिर दूसरा पेज पढ़ लूंगा फिर अखबार को पूरा पलट लूंगा अब फिर बोलूंगा चाय आई जो रोज पढ़ता है वो पढ़ता है जो रोज नहीं पढ़ता वो The ideas, the great thinkers. William Woods traveling in the woods with his sister. बहन पूछ रही है भैया यहां मैं क्या मिलेगा तुम्हें उसने कहा You keep on seeing the blade of the grass. You see the wilting flowers. You see those diamond raindrops. You see the croaking frogs. You listen and see some ideas will emerge. Some ideas will emerge, my sister. Let's walk inside the wood. Let's move inside the wood. अब मैं आपको पूछेंगे आप मेरे से निलय सर आप रोज पढ़ते हैं तो आज आपको मैं बता दूं एक शब्द यहां ऐसा नहीं बोलूंगा ना मैं बोलता हूं मैंने महात्मा गांधी से यही चीज सीखी कि शब्द से जीवन श्रेष्ठ होता है जीवन ही सब कुछ कहते हैं मेरे बच्चों को पता है कि जब मैंने किताब लिखी बीइंग गुड तो मैंने अपने माता पिता से पूछा कि इस किताब का शीर्षक क्या रखूं टाइटल तो मेरे पिता ने हंस के कहा मां से पूछ लो तो मां ने कहा पत्नी भी मेरी आई भाई क्या रखना है इसका टाइटल तो सबने पिता की ओर इशारा कर दिया टाइटल बताइए क्या रखना है वैल्यूज पे इन्होंने किताब लिखी है मेरे पिता ने हंस के कहा अच्छे आदमी उन्होंने देश बीइंग गुड रखो आपको पिता से भी अर्जित करना पड़ता है You are a son that never assures that you will be the reason of happiness in the family. आप सबसे अच्छे पुत्र हैं कि नहीं cleanest पुत्र हैं कि नहीं अगर ये है तब आप रीजन है हैप्पीनेस के फैमिली मेरी बातें याद रहेंगी ना आया ना बिल्कुल मैं थोड़ा फेस रीडिंग भी करता हूं अरे सब पता है सबको पता है थोड़ी फेस रीडिंग आप लोग का फेस देख के लग रहा है अच्छे आदमी आप आपको पता है आपको मेरी बात भूलेंगे नहीं आप मैं बता रहा हूं आप नहीं भूलने वाले क्योंकि हमारे ब्रेन को बस दो ही कैपेसिटी है टू रिकॉर्ड द बेस्ट क्लीनेस्ट और टू रिकॉर्ड द वर्स्ट बीच की कोई चीज ब्रेन रिकॉर्ड नहीं करती कोई नहीं करती आप करके देख लीजिए वो करेगी हम आपसे पूछेंगे अपने मास्टर साहब के बारे में बताइए अरे सर छठे क्लास में सर संस्कृत पढ़ाते थे सर एक सर थे सर अरे सर वो गजब थे सर ब्रेन को दो ही चीज रिकॉर्ड आता है बस वही करते हैं लास्ट पार्ट आई एम कमिंग टू द पॉइंट दोनों कूट अचानक मुझे जस्टिस और लॉ यहां तक आते आते मुझे वो दिखे नहीं मैं परेशान हो गया मैंने उनसे पूछा आप दोनों यहीं पे हैं मैंने तो सारे सवाल का जवाब दिया उन्होंने पूछा तो कहा नितेश आपकी जवाब तो हमने सुना हम आपसे चाहते हैं आप हमसे क्या चाहते हैं कैसे खुशी का कानून बने तो मैंने कहा जब न्याय और कानून के बीच फासला कम हो जाएगा दिनों दिन कम हो जाए जब फेयरनेस राइटियसनेस
टू इन वन हो जाएगा। जो राम जो लक्ष्मण रेखा खींची गई थी वो कानून है और उसके दोनों तरफ रामायण है, इस तरफ और उस तरफ पूरा। तो उन बूंदों ने कहा कि बारिश फिर हो जाएगी, कुछ कहोगे नहीं चलते चलते। तो मैंने कहा क्या हुआ, मैं इतना चाहता हूं कि आप दोनों मिलिए, संसार में मिलिए और हर आदमी को एहसास कराइए कि खुशी सिर्फ राइटलेसनेस में है, खुशी सिर्फ सही काम में है, खुशी दूसरों को छोटा करने में नहीं है, खुशी किसी की पीठ पीछे शिकायत में नहीं है, खुशी रिगार्ड में है, ग्रेटफुलनेस में है। जो समाज अपने कस्टमर को सर्व करना सीख रहा है वो समाज अपने माता पिता के प्रति ग्रेटफुल नहीं रहा।